Good morning, students. This is another video explaining dengue and cancer. Complete theoretical part. Dengue fever. The pathogen is mosquito larvae borne flavirribovirus. Mosquito borne flavirribovirus. And it is transmitted by the bite of mosquito Aedes aegypti. Its incubation period is 3 to 8 days. And we generally find two types of dengue fever. एक common classical dengue होता है और दूसरा जो है वो hemorrhagic dengue है. Symptoms क्या है? तो classical dengue के जो symptoms है उसमें abrupt onset of high fever, severe frontal headache, सामने सर जो है वो दुखता है, pain behind the eyes with eye movement, muscles and joints pain. बराबर. उसके बाद में लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड एपेटाइट इज लॉस्ट. बराबर. नौशिया, वोमिटिंग आर अनदर सिम्टम्स. बट जब हिमरेजिक फीवर है तब क्या मिलेगा? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ, गम्स एंड स्किन, ब्रूजिंग खींची जाएगी, सीवियर कंटिन्यूस स्टमक पेन, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग विथ और विदाउट ब्लड, पेल, कोल्ड और क्लैमी स्किन. बराबर. एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत प्यास लगेगी, रैपिड एंड वीक पल्स, यानी बीपी पे इंपैक्ट होने वाला है, सांस लेने में तकलीफ होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. प्रिवेंशन कैसे होगा और ट्रीटमेंट कैसे होगी? मॉस्किटो एंड देयर एग्स शुड बी एलिमिनेटेड. सिम्टोमेटिक केयर इंक्लूडिंग बेड रेस्ट, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, एनाल्जेसिक्स मेडिसिन, पेनकिलर जो है वो लिए जाएंगे. But do not take aspirin and dysprin. Dengue एक person से दूसरे person को नहीं होता है कभी. But हाँ, इसमें एक चीज है, और पपई के जो leaves होते हैं उसका रस है, garlic है, raw garlic, हाँ, तुलसी के पत्ते हैं, ये भी हम लोगों को चाहिए. Platelets का number बहुत कम होते जाता है. ये इसके कुछ important symptoms थे और prevention और treatment था. Another important disease which we shall be studying is cancer. बराबर. Basically cancer को disease के जगह disorder भी बोला जा सकता है. What is cancer? Uncontrolled abnormal growth of cells resulting into development of mass of undifferentiated cells known as neoplasm or tumor. But ये leukemia में यानी blood cancer में कभी develop नहीं होता. बराबर. समझा. और कैंसर कब बोला जाना चाहिए? जब ट्यूमर ये मैलिग्नेंट टाइप का होता है तब कैंसर बोलना चाहिए. कैंसरस सेल के कैरेक्टर्स क्या है? सबसे पहला पार्ट है हाइपरप्लेसिया. बॉडी सेल्स डिवाइड होगी एट एन अनकंट्रोल्ड रेट रिजल्टिंग इनटू ट्यूमर डेवलपमेंट. दूसरा कैरेक्टर है एनाप्लेसिया. जनरल शेप ऑफ सेल जो है वो राउंड बन जाएगा, न्यूक्लियस चेंजेस अलॉन्ग विद द न्यूक्लियोलस, दे बिकम्स इररेगुलर विद पुअर डेवलपमेंट ऑफ गॉल्जी बॉडीज. और फिर मेटास्टेसिस, यानी क्या? एबिलिटी है ये कैंसरस सेल की, वो डिटैच होती है फ्रॉम द ट्यूमर एंड माइग्रेट टू अदर बॉडी पार्ट्स. दिस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस. इससे क्या होगा? सेल की सर्वाइवल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेस एडहेसिव हो जाएगी देन नॉर्मल सेल से, और डिफरेंशिएशन नहीं दिखाएगी. डिफरेंशिएशन लीड्स टू मैच्योरेशन. जो सेल डिवाइड होती है वो डिफरेंशिएशन नहीं दिखाएगी. एंजियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल, ये जो है ये भी होगा. ये जो ट्यूमर डेवलप होता है ना वो दो टाइप का होता है. एक को हम लोग बोलते हैं बेनिन ट्यूमर, और दूसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर. ऐसे दोनों टाइप के ट्यूमर हमें मिलते हैं. अब बेनिन और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर में अब देख रहे हो ये नॉर्मल टिश्यू सेल्स है सारी, ये वाली, और जो एबनॉर्मल सेल्स है वो सारी की सारी आर कवर्ड विथ अ पर्टिकुलर शीथ. बराबर. और वो एक ही पर्टिकुलर साइट पे ये सारा का सारा पार्ट रिस्ट्रिक्टेड होकर रहेगा, लोकलाइज्ड होकर रहेगा.
स्प्रेड नहीं होता है, बट इट डज नॉट मीन कि उनसे कोई ट्रबल नहीं होगा। कुछ जो बेनिन ट्यूमर्स होते हैं दे आर फैटल हार्मफुल, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, बराबर, ये सीधा डेथ के तरफ लेके जा सकता है। और कुछ जगह पे बेनिन ट्यूमर भी मैलिग्नेंट बनता है, जैसे कि एडेनोमा है या फिर फाइब्रॉइड है, इनमें वो मैलिग्नेंट बनता है, स्प्रेड होता है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, उसकी ग्रोथ, उसका ग्रोथ रेट हमेशा रैपिड है, ये बात याद रहे, ग्रोथ इज रैपिड, कंपैरेटिवली फास्टर, मॉर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है बेनिन ट्यूमर के कंपैरिजन में। यहां कैंसरस सेल जो होती है वो क्या करती है, वो नॉर्मल सेल के साथ, ये नॉर्मल सेल्स है और ये कैंसरस सेल्स है, ये कैंसरस सेल जो है वो नॉर्मल सेल्स के साथ जो है वो कॉम्पीट करेगी फॉर व्हाट, फॉर न्यूट्रिटिव मटेरियल, बराबर। ऐसे दोनों टाइप के ट्यूमर में मैं एग्जाम में एक डिफरेंस का भाई 2 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं। तो कैंसर ये हार्म कब करेगा, जब डैमेज सेल डिवाइड फ्रॉम द लम्स और मासेस, दैट इज टिश्यू, बराबर, और वो फैलेगी इधर उधर। कैंसरस सेल मैनेजेस टू मूव थ्रू आउट द बॉडी यूजिंग द ब्लड और द लिम्फ सिस्टम, डिस्ट्रॉइंग हेल्दी टिश्यू। इन्वेजन, कैंसर का मतलब होता है क्रैब, वो अपने प्रे को धीरे 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 कुदेड़ कुदेड़ के खाता है, और ऐसा ही कैंसर ह्यूमन को खाता है, बराबर। और जब सेल मैनेज हो जाएगी, डिवाइड होगी, ग्रो होगी, न्यू ब्लड वेसल्स भी उसके लिए खुद बना लेगी, एंजियोजेनेसिस मैंने बोला था अभी कुछ समय पहले। ऐसे कैंसर के टाइप्स भी होते हैं, कार्सिनोमा, एपिथेलियल सेल्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल ओरिजिन के, 85% केसेस ये कार्सिनोमा की होती है, जैसे ब्रेन कैंसर है, स्किन कैंसर है, लंग कैंसर है, बराबर। दूसरा टाइप है बेटा सार्कोमा, मिजोडर्मल ओरिजिन के जो ऑर्गन्स है वहां पे ये डेवलप होगा, कनेक्टिव टिश्यू में डेवलप होता है सार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा या ऑस्टियोमा यानी बोन कैंसर हो गया, मसल कैंसर होता है डेवलप, बराबर, मायोसार्कोमा बोलेंगे, कॉन्ड्रोसार्कोमा यानी कार्टिलेजेस का कैंसर है, लिपोसार्कोमा है एडिपोज टिश्यू का। उसके बाद हमें मिलता है लिम्फोमा, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, कहां पे, स्प्लीन एंड लिम्फ, एग्जांपल क्या है, लिम्फोसार्कोमा, बराबर, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ WBCs, millions of abnormal immature WBCs are present incapable of fighting infection, lymphoblastic leukemia, monocytic leukemia, ऐसे उसके types भी है। Adenocarcinoma is another important part, जिसको हमने adenomas बोला है, ये thyroid gland, pituitary gland, adrenal gland और बाकी glandular tissues के cancer को include करता है। Cancer cause करने वाले agent को हम लोग बोलते हैं carcinogen, टेक्सबुक अलग अलग तरीके से रहता है, जैसे केमिकल्स है, रेडिएशन है, वायरसेस है, बराबर, उसके बाद वहाँ पे वो ऑन्कोजीन्स, एडिक्शन, इन्हें भी लेता है, मैं यहाँ अलग अलग टाइप्स दे रहा हूँ। टोबैको है, एक्सेस च्यूइंग ऑफ टोबैको और स्मोकिंग, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, लैरिंग्स को डैमेज करेगा। अल्कोहलिज्म है, लीवर का कैंसर, हेपेटोमा, बराबर, एंड डिफरेंट अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो गेट अफेक्टेड। डायटरी फैक्टर्स, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट्स, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ पोर्क, बीफ मे कॉज कैंसर। ऑक्यूपेशन, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग है, विच आर एक्सपोज, गेट एक्सपोज टू बेंजीन, एस्बेस्टॉस, कैडमियम, क्रोमियम, डाइज, पेंट्स, इनमें कैंसर की डेवलपमेंट होती है, बराबर। कोल एंड ऑयल प्रोडक्ट से होती है, निकोटीन से होती है, कैफीन से होती है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से होती है, सेक्स हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स की वजह से होती है, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है, बराबर, हार्मोनल रिलेशनशिप है वहां पे। और मोर कॉमनली सीन इन विमेन हु अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग, उनमें इसका परसेंटेज हमें ज्यादा मिलता है। तो ऐसा जो पर्टिकुलर टाइप में हम लोगों को
कैंसर मिल रहा है उसमें रेडिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस, बराबर, रेडिएशन का भी तो रोल रहेगा। तो ये सारी चीजें जब पॉजिटिव एजेंट तक आती है तो उसमें वायरसेस की भी बात हो जाए फिर रेडिएशन पे आते हैं, बराबर। वायरसेस में HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, लीवर कैंसर, हॉटकिंस वायरस कॉजेस जॉ कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो सर्विक्स कैंसर डेवलप करता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर, बराबर, कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। एप्स्टेन बार वायरस इज अनदर इंपॉर्टेंट वायरस, ऑन्कोजीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल्ड सेल डिवीजन, उनमें म्यूटेशन जो है वो कैंसर डेवलप करता है। फिजिकल एजेंट्स भी है, क्रॉनिक इरिटेशन ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स कैन डेवलप कैंसर, कॉस्मेटिक्स है, टाइट क्लोथ है, बराबर, खंगरी यूज करते हैं कश्मीरी, एक पॉट होता है उसमें है, वो ढेर सारे ऐसा जरा हुआ पार्ट कोयला वगैरह रखते और ठंड से बचने के लिए, उससे भी होता है कैंसर। जेनेटिक फैक्टर्स है, म्यूटेटेड जीन मे गेट इनहेरिटेड इन टू द नेक्स्ट जनरेशन कॉजिंग कैंसर, बराबर। ये सारी चीजें हमें कैंसर के तरफ लेके जाएगी। अब ऐसा जो डिसीज है उसके बाकी डिटेल्स पे जब हम लोग आते हैं तो उसमें सिम्टम्स है, साइज और कलर ऑफ मोल चेंजेस, जो मोल होता है ना, पीड़ जलापन मोल, मोस मोल, वो चेंज होता है, लम्ब, नोड्यूल, ये सारी चीजें स्किन के नीचे डेवलप होती है, परसिस्टेंट कफ, होर्सनेस ऑफ वॉइस, घोघरा हो तो आवाज, बराबर, होर्सनेस ऑफ वॉइस डेवलप्स, रैपिड लॉस ऑफ वेट, डिफिकल्टीज इन स्वेलोइंग, इंडाइजेशन, बोवेल हैबिट, खाने पीने की आदतें जो है वो बदल जाएगी, प्रोलॉन्ग फीवर, अनयूजुअल ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकल्स इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सारे सिम्टम्स है कैंसर के, बराबर। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, अवॉइड स्मोकिंग, च्यूइंग ऑफ टोबैको एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, कॉस्मेटिक्स जो है वो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग होना जरूरी है, फूड आर्टिकल्स का होना जरूरी है, ड्रग्स का होना जरूरी है, for presence of carcinogenic substances, fruits and vegetables should be thoroughly washed, strict legislation होना चाहिए industries पे causing जो pollution cause करती है, और pollution controlling act जो है उसका भी strict implementation होना जरूरी है, industry workers को protection देना चाहिए, कुछ और भी चीजें होती है, regular medical checkup है, avoid pregnancy after 30 years of age, use of media to educate people, motivation of society is necessary for अर्ली डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट होती है यानी क्या, तो टेक्स्ट बुक बोलता है कि कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है, इम्यूनोथेरेपी है, सपोर्टिव थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी हम लोग यूज करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रहे कि कैंसर इफ ट्रीटेड अर्लियर, डायग्नोज अर्लियर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिवन, हम लोग उसको बचा सकते हैं। इट इंक्लूड्स बर्निंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसरस टिश्यू बाय एक्सपोजिंग टू रेडिएशन, कोबाल्ट 60 का यूज है यहाँ पे। इससे क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस जो है वो होगा ही नहीं, एक्सरेज है, गैमा रेज है, बराबर, या चार्ज पार्टिकल्स है उनको यूज किया जाता है इस ट्रीटमेंट में। सर्जरी है, इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ कैंसरस पार्ट बाय ऑपरेशन, सर्जिकली उसको रिमूव किया जाएगा, बट उसकी लिमिटेड यूटिलिटी है। ब्रेस्ट ट्यूमर है, यूटेरिन ट्यूमर है, सर्जरी सबसे इफेक्टिव होती है, बराबर। अब ड्रग थेरेपी में हम लोग कैंसरस सेल के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स यूज करते हैं। ये जो सारे एंटी कैंसर ड्रग्स है वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करके। बट कीमोथेरेपी कई बार हेयर लॉस, एनीमिया, इनके तरफ भी लेके जाती है ड्रग थेरेपी। कैथरेंथस रोजियस या विंका रोजिया, पेरीविंकल, सदाफुली, उससे दो सब्सटेंसेस मिलते हैं, वन है, एक है विन क्रिस्टीन, दूसरा है विन ब्लास्टीन। कभी कभी हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी यूज कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, और इसलिए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, अल्फा इंटरफेरॉन वगैरह ऐसे सब्सटेंसेस दिए जाते हैं और उससे कंट्रोल किया जाता है। कंबाइंड थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, ये भी चीजें आती है।
जीन थेरेपी यूज हो सकती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है पर, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज भी हम लोग करते हैं। टेक्सबुक एक टेबल देता है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गन अफेक्टेड। यहां मैच द कॉलम्स का क्वेश्चन बैठता है, यहां दो मार्क का क्वेश्चन बैठता है। कार्सिनोजेन दिया जाएगा, ऑर्गन अफेक्टेड जो है वो किया जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए। सो विद दिस द डिस्कशन अबाउट कैंसर, इट्स पॉजिटिव एजेंट्स, इट्स टाइप्स इज ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल बी मीटिंग विथ अनदर इंपॉर्टेंट डिजीज एंड दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।